देखिए, जब पहले ही घर वालों ने कह दिया था कि उनको जहर दिया जा रहा है, तब तो कोई एहतियात बरता गया नहीं। तो अभी जांच का मामला बनता ही है, यह नहीं कि संयोग बस हुआ या अचानक हुआ, जब उन्हें पहले शंका थे कि ऐसा हो सकता है। दूसरी बात है कि जो 144 धारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया है एक रिएक्शन पैदा करने के लिए कि हिंदू मुसलमान हो जाए, ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए। और तीसरी बात है कि वीडियोग्राफी इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए और सच्चाई पता लगना चाहिए कि वास्तव में जहर दे के मारा गया है या आकस्मिक मौत हुई है। और ये बात तो है, लेकिन जिस तरह से मीडिया में और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फ्लैग मार्च, 144 धारा, ये क्या है? 19 अप्रैल से चुनाव है, उसको प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। वो एक आदमी, एक अपराधी था, और ठीक है वो इलेक्शन भी कई बार जीता था, वो लोकल लेवल पर अपना लोग सपोर्ट उसको करते थे तभी तो जीतता था, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन किस तरह से वोट लिया जाता है, 83% भारत का नौजवान बेरोजगार है, वो सब ऐसे ही मामले से तो दबेगा कि मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा इस तरह से माहौल बनाया जाए कि जैसे बहुत कोई बड़ी घटना होने वाली है।